Today topic is the opium poppy. You can say the botanical name is the Papaver somnifera. Papaver somnifera या आपका opium. तो इसका कॉमन नाम है अफीम पॉपी. इंग्लिश में इसको ओपियम पॉपी कहते हैं या फिर ब्रेड सीड पॉपी कहते हैं. फैमिली ये पेपीवेरेस फैमिली से बिलोंग करता है. इसका जो पार्ट यूज होता है वो होता है सीड्स, फ्लावर और कैप्सूल्स. कैप्सूल से इसकी जो है लेटेक्स निकलता है जो कि आपके ड्रग्स में यूज होता है. टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटी, सब किंगडम ट्रैक्योबायंटा यानी कि वास्कुलर प्लांट से रिलेट करें. सब डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा सीड्स प्लांट, डिवीजन ट्रैक्योफाइटा क्लास मैग्नोलियोसीडा, ऑर्डर रैनैनक्युलेस, फैमिली पेपेविरासिस, जेनस पेपेवर एंड स्पीसीज द सोमनीफेरम. ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओपियम ग्रो वेरी ओल्ड टाइम्स. इट इज यूज्ड इन 3400 BC अगो. नेटिव ऑफ वेस्टर्न मेडिटेरियन रीजन. इट इंट्रोड्यूस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड चाइना इन 18th century. इन चाइना इट इज कल्टिवेट इन द 1767 AC. कल्टिवेटेड इन मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया. इन वर्ल्ड इट इज कल्टिवेटेड इन द वार्म पार्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया, थाईलैंड, बर्मा, तुर्की एंड यूरोप. इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान. बोटनिकल डिस्क्रिप्शन. इट इज द एनुअल हर्ब विच इज 1.5 मीटर या 2 to 4 feet इज द हाइट. लीव्स इज अल्टरनेट oblong or ovate, toothed and lobed, rarely pinnate with toothed, from 4 to 15 inches long. Flower is large, which is according to variety, it is different color. It may be blue, white, purple, red and showy. Its flowering time is April to June. Fruit is capsules, जो कि मोस्टली हम लेटेक्स के लिए यूज करते हैं. इट इज हेयरलेस, राउंडेड टॉप विद 12 टू 15 रेडिएंट स्टिग्मेटिक रेस और फ्लूटेड कैप्स. इट इज पेल ग्रीन इन कलर. अनरैप्ड कैप्सूल जो होता है आपका लेटेक्स निकालने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेक्स प्रोडक्शन होता है. सीड्स जो इसका होता है व्हाइट या ब्लैक कलर का होता है और किडनी शेप होता है. कल्टिवेशन. कल्टिवेशन फर्स्ट वन आपका था क्लाइमेट. तो प्रेफर किया जाता है मॉडरेटली कूल वेदर एंड ओपन सनी लोकेशन जो है चाहिए इसके कल्टिवेशन के लिए. रेनफॉल इसका क्योंकि आपका ये जो है विंटर में आपकी इसकी बुआई की जाती है तो इसका रेनफॉल जो है आपका करीबन 150 to 200 आपका जो है सेंटीमीटर mm होना चाहिए पर एनम के अकॉर्डिंग. सोयल इसकी जो है ऑल काइंड ऑफ सोयल में ग्रो कर जाता है. उसमें क्ले सोयल, सैंडी लोम, लोमी सैंड, सैंडी सैंडी क्ले. लेकिन जो वेल ड्रेन्ड लोमी या सैंडी लोम सोयल होगी वो बेस्ट मानी जाती है इसकी कल्टीवेशन के लिए. इसकी सोयल का जो पीएच है वो 6 to 8 होना चाहिए लेकिन बेस्ट पीएच जो है करीबन 7 के आसपास वाला माना जाता है. टेम्परेचर जो है इसका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. सोयल में जो एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए और प्लांट न्यूट्रिशन होना चाहिए. फील्ड प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी लैंड प्रिपरेशन की जाती है विद फाइन टिल्थ टू अ डेप्थ ऑफ 20 to 25 सेंटीमीटर ड्यूरिंग सितंबर एंड फील्ड आर लेड आउट इन टू बेड्स. इसके जो है छोटे छोटे बेड्स बनाए जाते हैं. फिर उसमें जो 35 से 37 कारलोड ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूर उसमें मिक्स किया जाता है क्योंकि हम सोयल प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ लैंड
एंड पेनिंग ऑफ शिप और गोट्स इज प्रेफर्ड। फिर उसके बाद जो होते हैं आपकी प्री शोइंग इरिगेशन की जाती है ताकि आपकी सोयल में इनफ क्वांटिटी में जो है मॉइस्चर हो ताकि सीड जो है इजिली जर्मिनेट कर सके। क्योंकि आपको पता है सीड जर्मिनेशन के लिए पहला स्टेप जो होता है आपका इम्बाइबेशन ऑफ वाटर होता है, विदाउट वाटर आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, इसलिए जो है प्री शोइंग इरिगेशन की जाती है। देन आपको आता है शोइंग सीजन। शोइंग सीजन में जैसे मैंने कहा कि आपका जो विंटर सीजन होता है ये रबी क्रॉप है, तो ये मिडिल अक्टूबर टू लेके अर्ली नवंबर के बीच में जो इसकी शोइंग की जाती है। ठीक है, इसका जो आपका टाइम पीरियड होता है वो 150 to 160 डेज होता है फील्ड में। सीड्स रेट जो आप बोते हो दैट इज शोइंग के लिए 2.5 to 3.5 केजी पर हेक्टेयर होता है। इसका सीड्स का वेट जो होता है काफी लाइट होता है, तो ये 0.2 मतलब कि 100 सीड्स जो है अबाउट 0.25 to 0.5 ग्राम ही बना पाते हैं। तो ये सोयल में सैंड मतलब सोयल में अच्छे से मिक्स की जाती है और शोइंग इन थिन इन रोज 30 सेंटीमीटर। दैट रोज आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ सोयल्स एंड गिव ए लाइट इरिगेशन। जब इसको थिन लेयर सोयल में हम 2 से 3 सेंटीमीटर डीप आप सीड्स को सोयल के अंदर डालते हो फिर उसमें लाइट कलर का इरिगेशन करते हो, इससे पहले कि आपके जो है सीड बोर्न डिजीज ना हो। तो सीड को ट्रीट भी किया जाता है 1% आर्गोसन जेन से ताकि जो है सीड बोर्न डिजीज ना हो। इरिगेशन मोस्टली जो आपका जब हम शोइंग करते हैं तो उसके 8 से 10 दिन के बाद जो आपकी दोबारा से जो है इरिगेशन की जाती है, फिर 15 से 20 दिन के इंटरवल में आपकी जो है इरिगेशन होती रहती है। तो इरिगेशन पूरे टाइम पीरियड में 12 से 15 बार इरिगेशन की जाती है और इसमें प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर रखा जाता है। क्योंकि अगर मॉइस्चर की डेफिशिएंसी हुई तो कैप्सूल में जो आपका लेटेक्स बनता है उस पर आपका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। फर्टिलाइजर जो है हैवी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किया जाता है, इसमें जो 50 kg पर नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो आपका लैंड प्रिपरेशन के दिए के टाइम दिया जाता है। उसके बाद जो है आपकी जब प्लांट ग्रो कर जाता है तो सेम क्वांटिटी में और खाद डाला जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है। वो जो सेम क्वांटिटी होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो तब डालते हैं जब वो 1 month होल्ड हो जाता है और दूसरा तब डालते हैं जब आपके प्लांट पे दो लीफ आ जाती है। हार्वेस्टिंग क्योंकि इमेच्योर आपके फ्रूट रैपनिंग में की जाती है, इसकी कैप्सूल में की जाती है, तो उस टाइम ये जो है ग्रीन कलर का होगा क्योंकि आपका जो इमेच्योर कैप्सूल होता है उसमें ज्यादा लेटेक्स होता है। तो ग्रेश ग्रीन पॉड विल बिकम डार्क ग्रीन कलर एज इट मेच्योर एंड इट विल स्वेल इन साइज। विद द हेल्प ऑफ आयरन ब्लेड कट द पॉड 2 or 3 sizes इन वर्टिकल डायरेक्शन। जैसे कि आपका ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है इसमें नाइफ के द्वारा इसका कट किया जाता है, लेटेक्स किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन के टाइम क्योंकि इमेच्योर होता है, ठीक है, इवनिंग टाइम में इसको किया जाता है। तो यंग कैप्सूल को हम लेते हैं उस पर नाइफ से लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाते हैं जैसे कि आपका इस फोटो में दिखाया गया है। फिर ये जो इंसिजन होता है वो करीबन 4 to 6 होते हैं मोस्टली, ठीक है, और एच जो होता है 1 of 12 centimeter अपार्ट होता है। तो जो कैप्सूल होता है वो करीबन 4 से 6 बार जो उसकी हम लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट बनाते हैं जब तक पूरा लेटेक्स आपका निकलना जाए। तो इससे जो है व्हाइट लेटेक्स बाहर निकलता है जो कि एयर के टच में आते ही हार्ड हो जाते हैं। फ्लो विल बी टू स्लो एंड ओपियम विल हार्डन इन द पोर्स एंड कोगुलेट ऑन द स्पेस ऑफ द पोर, और पोर की स्पेस पे जो है ये कोगुलेट हो जाता है। ये पूरी रात जो है निकलता रहता है और मॉर्निंग टाइम में इसको सनराइज से पहले इसको जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। जो पोड होता है वो कॉन्टिन्यूस ओपियम क्रिएट करता रहता है सही सिवरल टाइम, तो इसलिए इसको जो 4 से 6 बार जो है आप एक कैप्सूल से आप जो है लेटेक्स कलेक्ट करते हो। जब इसका लेटेक्स कलेक्ट करते हो तो उसको स्टोर भी किया जाता है। तो इसका जो कलेक्शन होता है ओपियम हम स्टोर करते हैं अर्थन पोर्ट, ठीक है, फिर इसको ड्राई करते काफी टाइम के लिए,
फिर ड्राई होने पे इसको बनाना लीव्स या प्लास्टिक में इसको स्टोर करके रख लेते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि इनको एक प्रॉपर शेप देते हैं बॉल के रूप में या केक्स के रूप में। जब आपका ये हो जाता है तो एंटायर प्रोडक्ट जो है एक्साइज और नारकोटिक डिपार्टमेंट में जाता है, वहां पे इसकी कंसिस्टेंसी और प्योरिटी जो देखी जाती है, फिर लीगली इसको बेचा जाता है। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें जो इसकी खेती लीगली की जाती है और लीगली इसको जो है बेचा जाता है। तो ये सारा काम जो होता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू आपका होता है। इसकी यील्ड जो होती है आपकी रो ओपियम की 13 to 33 kg पर हेक्टेयर होती है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस पे। तो इसमें जो है सीड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो 3 to 4 क्विंटल होता है पर हेक्टेयर में। सीड्स कंटेन 50% ऑफ गोल्डन येलो फैटी ऑयल्स जो कि आपकी नार्कोटिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द ड्रग्स, तो लेटेक्स जो इसका 12% जो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है, ये एक मेन सोर्स होता है ओपियम का, और इससे जो आपकी ड्रग्स भी बनाई जाती है। तो इसमें करीबन 80 डिफरेंट टाइप के जो आपके एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉमन जो होते हैं आपके मॉर्फिन, पेपेवरिन, नार्सिन, नार्कोटिन, कोडिन, थीबेंस और पेविन एक्सेट्रा, ये होते हैं। जो प्रिंसिपल एल्केलॉइड्स की हम बात करते हैं उसमें मोर्फिन और आपका थीबेन आता है। ओपियम कंटेन एनाल्जेसिक, ठीक है। अब एनाल्जेसिक क्या होता है, दैट इज द दर्द नाशक, यानी कि आपका पेन रिलीफ वाला, ठीक है। तो पेन रिलीफ में आपको मोर्फिन, कोडिन और थीबेन आते हैं, एज वेल एज अदर थेरेपेटिक आपके एल्केलॉइड्स होते हैं। तो थेरेपेटिक होता है जो ड्रग्स बनाने के काम आते हैं, तो उसमें पेपेवरिन और अदर एल्केलॉइड इंक्लूड हो जाते हैं। देन हम यूज की बात करते हैं, तो जब पूरे प्लांट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वेरी करती हैं। तो प्लांट की जो है पहले करेक्टरिस्टिक आते हैं एंटी एलोडाइनिक। एलोडाइनिक होता है कि इतना ज्यादा पेन, इतना पेन होता है कि जो एक नॉर्मल पेन से ज्यादा होता है, जो कंपेयर नहीं किया जाता। तो एंटी एलोडाइनिक कहता है कि भाई जो इतना ज्यादा पेन होता है उसको कम करने के लिए जो ड्रग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द एंटी एलोडाइनिक। देन नेक्स्ट वन आप कहता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होता है यानी दर्दनाशक। एंटीटसी, एंटीटसी होता है कफ स्प्रेड, कफ को स्प्रेड करने वाली कोई भी ड्रग्स या दवाई आपकी जो है। देन एंटी डायरियल, एंटी स्मोकिंग, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, ब्रोंकियो डायलेटर, एंटी बैक्टीरियल, नार्कोटिक। तो ये आपके पूरे प्लांट की जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें कहते हैं जो सीड्स होती हैं उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है एनास्थेटिक। एनास्थेटिक जो होता है आपका आपके सेंसेशन को जो एक्सप्रेस करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई हम ऑपरेशन करते हैं तो एनास्थेटिक लगाया जाता है ताकि आपका जो है पेन ना हो और आपकी जो है आप चेतना शून्य हो। देन आपकी नेक्स्ट वन आपका है कॉन्स्टिपेटिव, सिडेटिव या हिप्नोटिक, एफ्रोडाइस्टिक नेचर। एफ्रोडाइस्टिक होता है जो आपका जो है सेक्सुअल डिजायर जो आपका स्टिमुलेट करे, ब्रेन टॉनिक, डिमल्सेंट, न्यूट्रिटिव, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट और रिटेंटिव नेचर, एंटी एनाल्जेसिक। तो मोस्टली हम जो सीड्स कहते हैं वो यूज करते हैं ट्रीटिंग डायरिया, डायसेंट्री। डायसेंट्री होता है कि आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है विद द डायरिया, एंड जो आपके फिसेज होता है उसमें जो ब्लड और म्यूकस निकलता है तो उसको बोलते हैं हम, दैट इज द आपका डायसेंट्री। देन आप पता है कैटारिया या इन्फ्लुएंजा, कफ, इंसोमनिया, ल्यूकोरिया, बर्निंग इन ब्लैडर्स एटसेट्रा। तो ये आपकी जो है सीड्स जो आपका यूज किया जाता है। देन इसकी बाद इसका जो फ्रूट होता है वो
an aphrodite, sexual stimulant, body tonic, digestive, sedative or hypnotic, soporific, diuretic, astringent, anti-analgesic होता है। और ये इसका जो फ्रूट यूज है वो यूज किया जाता है कफ के लिए, फीवर के लिए, डायसेंट्री के लिए, एनीमिया के लिए, डायरिया, हेडेक एंड कंजक्टिविटीज। कंजक्टिविटीज जो आपके होते हैं आईज में होती है, ठीक है, यानी कि आई में इन्फेक्शन होने के कारण जो पेन होता है, दैट इज द जो आई का कंजक्टिव पार्ट है वो उसमें पेन होता है। देन लेटेक्स, तो इसका जो लेटेक्स है वो यूज किया जाता है ट्रीटिंग डायसेंट्री, डायरिया, स्पाज्म, पेन एक्सेट्रा। कोडिंग और मॉर्फिन जो होता है सिडेटिव एनाल्जेसिक होता है, सिडेटिव एनाल्जेसिक एंड कैन रिलैक्स स्मूथ मसल टोन, मेकिंग देम यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। कोडिंग एंड इट्स डेरिवेटिव जो है यूज किए जाते हैं एज एंटी टस्किंग, यानी कि कफ को सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। देन आपके पेपेवरिन रिलैक्स यूज होते हैं, रिलैक्स इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स एंड इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द कैंसर एंड हेड ट्रॉमा ट्रीटमेंट। ये एज ए स्मोक के लिए भी यूज करते हैं, सो स्मोक में इसको एज ए मादक कहते हैं इन इंडिया में। सीड्स जो होता है यूज किया जाता है एज ए फूड इन प्रिपेयरिंग ब्रेड्स, शोरबा, स्वीट्स एंड बिस्किट एंड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल आल्सो। देन ट्रीट किडनी स्टोन, तो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ पोटेशियम एंड हेल्प टू ट्रीट किडनी स्टोन एंड आल्सो प्रिवेंट रीअकर्ड ऑफ द किडनी स्टोन। देन मैनेजिंग एनीमिया, पॉपी सीड्स जो होते हैं आयरन रिच होते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं प्रिवेंट एंड ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। हेल्प इन डाइजेशन, पॉपी सीड्स कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ डायरिया फाइबर्स एंड प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ। इट आल्सो इंक्रीज द एनर्जी लेवल, तो पॉपी सीड्स जो होते हैं पावर हाउस होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो ये आपके एनर्जी लेवल को जो है बूस्ट अप करते हैं। तो ये जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी गुड होता है क्योंकि इसमें काफी फाइबर्स होते हैं और मैंगनीज होता है जो हेल्प करता है हेल्प टू प्रिवेंट एंड ट्रीटिंग डायबिटीज। बूस्ट इम्यूनिटी, पॉपी सीड्स जो होते हैं लोड करते हैं विद जिंक विच हेल्प इन स्ट्रेथनिंग द इम्यून सिस्टम इन ओवर बॉडी। अब सीड से हमें ऑयल भी मिलता है जो कि ऑर्डरलेस होता है टेस्ट एंड टेस्ट इज जस्ट लाइक द आलमंड। तो ये आपका जो है काफी डिशेज ऑर्नामेंट ऑफ कलर एंड पेंट्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा कई बार ये पेशेंट का डायरिया और डायसेंट्री को जो है आपके पेशेंट को भी दिया जाता है, यूज किया जाता है उनके पेन को कम करने के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड इन बर्न पार्ट ऑफ द बॉडी, जो सीड्स ऑयल बनाते हुए जो आपका बाकी मटेरियल बच जाता है उस मटेरियल को भी एज ए स्वीट एंड न्यूट्रिटिव यूज करते हैं एंड कंजप्ट बाय द मैनी पीपल्स। इट डेकोरेशन ये आल्सो गिवन टू द पेशेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम ऑफ द कफ। अभी इतने बेनिफिट हैं लेकिन क्योंकि हमारे नारकोटिक डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है तो हमारी गवर्नमेंट इस पे जो है इसकी कल्टीवेशन पे जो है काफी ध्यान देती है क्योंकि इसके जो है काफी एडवर्स इफेक्ट भी हैं। तो ये हाली जो है एडिक्टिव क्वालिटीज होती है इसमें। इट हैज बीन एसोसिएट विद पॉइजनिंग एंड कैरेक्टराइज बाय सेडेशंस, मेंटल क्लाउडिंग, देन लेथर्जी। लेथर्जी होता है सुस्ती या लेजीनेस, ठीक है, सल्गीनेस। सल्गीनेस होता है ढिलाई, यानी कि आप किसी भी काम को जो बहुत स्लोली करते हो या आपकी बॉडी काफी स्लो काम करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सल्गीनेस। अब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन एंड अदर इफेक्ट सच एज द वोमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बर्निंग ऑफ विजन्स, यूरिनरी रिटेंशन एक्सेट्रा। समटाइम जो होते हैं पॉपी सीड्स, क्योंकि जो आप पॉपी सीड्स है आप फूड में भी यूज करते हैं तो वो जो है एलर्जिक और एनाफिलैक्सिस
एनाफिलैक्सिस क्या होता है? एनाफिलैक्सिस होता है त्रिग्राही, यानी कि एक्यूरेट एलर्जी रिएक्शन शो करता है टू किसी भी एंटीजन के। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल की जब हम बात करते हैं, जैसे बी होती है, जब हमें काटते हैं तो हाइपर सेंसिटिव होती है हमारी स्किन उसके लिए, ठीक है, और जलना शुरू कर देती है, और वहां पे जो है आपके थोड़ा सा स्किन पे जो है दाफड़ भी पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम दैट इज द एनाफिलैक्सिस। तो यही है कि जो आपका जो ओपियम है वो इस टाइप की रिएक्शन भी हमारी बॉडी में शो करता है। इसलिए जो ओपियम होता है वो डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता आपके किसी भी ड्रग्स में, या आपके जो है डायरेक्ट जो है आप प्लांट का लेटेक्स वगैरह इसका जो है डायरेक्ट यूज नहीं करते। ठीक है, तो ड्यू टू दीज एडवर्स रिएक्शंस वी आर नॉट यूज इन, दे आर ऑल वर्किंग अंडर अवर गवर्नमेंट। सो टुडे टॉपिक इज फिनिश।